हे गाइस, आज मैं अनबॉक्स करने वाली चॉकोस को, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके 3 न्यू फ्लेवर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों न्यू फ्लेवर को ट्राई करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पर इसको बनाने के तरीके लिखे हुए हैं, और ये मेरे को 55 रुपीज़ का पड़ा है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और ये 110 ग्राम है। मुझे इसकी क्वान्टिटी पढ़ने से तो अच्छी लगी। और यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट बिफोर 9 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, और ये चॉकोस। और मुझे इसकी येल्लो कलर की पैकेजिंग बहुत ये अच्छी लगती है, क्योंकि येल्लो इज़ अ ब्राइट कलर। सो इसे अनबॉक्स करते हैं। और हाँ गाइस, एक बात बताऊँ, मैं बहुत बड़ी, मेरी जीवन ही पोपट है। जो तारक मेहता में पोपट लाल नहीं था, वो उसका नाम बस पोपट लाल था, मैं असली में पोपट हूँ। तो मेरी ज़िंदगी के साथ न जाने क्या क्या पोपट होता है। वीडियो ही देखो, वीडियो में क्या हो रहा है। और मुझे इसकी क्वांटिटीज लाइक ओकेश ओकेश लगी। तो गाइस, मुझे इसकी क्वांटिटी बाउल में पोर करने के बाद भी चॉकोस अच्छी ही लगी, है ना। और मुझे केलॉग्स का ये जो ब्राइट कलर है ना, मैंने पहले बताया और अभी बता रही, मेरे को येलो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और आपको आपको कौन सा फेवरेट कलर है, आप मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ गाइस, ये भी बताना कमेंट्स में कि आपको दूध के साथ खाने में मज़ा आता है, कि आपको नॉर्मली क्रिस्प वाले मज़ा आता है। और गाइस, अगर आप वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं अपना रियल फेस और वॉइस दिखा पाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।